स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि इंडियन रेलवे के ही ऊपर ही है। 21 जून से देश में चलेगी भारत गौरव ट्रेन। इसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल से, प्लीज़ एंड तक बने रहे। भारत गौरव ट्रेन, भगवान राम से जुड़े स्थलों को जाने वाली ये ट्रेन 18 दिनों की यात्रा पर निकलेगी और फिर वापस दिल्ली आ जाएगी। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसमें 600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे भारत गौरव ट्रेन धार्मिक यात्राओं पिलग्रिमेज को बढ़ावा देने के लिए 21 जून से भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस साल देश के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने वाली ट्रेनों की सीरीज के रूप में भारत गौरव ट्रेन का ऐलान किया था। रेल मंत्रालय ने IRCTC को जिम्मेदारी दी थी। ये ट्रेन दिल्ली से नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। ऐसे में ये ट्रेन यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी फिनिशिंग का काम आखिरी दौर में है। बाहर से ट्रेन पर देश की नृत्य शैलियों को प्रदर्शित किया गया है। ताजमहल, हवा महल, काशी के मंदिर और सूर्य मंदिर जैसे गौरव स्थलों को दर्शाया गया है। इस ट्रेन के भीतर भी देश के गौरव स्थलों की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा ट्रेन में एक पूजा घर भी बनाया गया है, जिसे यात्रा सूर्य सामूहिक भोजन कीर्तन और बैठक की रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने दिन की यात्रा पर निकलेगी ये ट्रेन। भगवान राम से जुड़े प्रमुख स्थलों को जाने वाली ये ट्रेन 18 दिनों की यात्रा पर निकलेगी और 18वें दिन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर ही वापस आ जाएगी। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसमें 600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। पूरी ट्रेन 3rd AC है। इसमें एक व्यक्ति का किराया लगभग 62,000 है, जिसमें ट्रेन यात्रा के साथ भोजन, होटल और बसों का किराया भी शामिल है। रेल मंत्रालय ने IRCTC को इस ट्रेन की जिम्मेदारी दी थी। IRCTC ने एक प्राइवेट पार्टनर के रूप में अपनी सबसे बड़ी कैटरिंग पार्टनर RK एसोसिएशन एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। भारत गौरव ट्रेन की कड़ी में पहली ट्रेन भारत के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों को पर्यटक कराएगी। नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भ्रमण भी ट्रेन टूर में शामिल है। टूर के दौरान खाने में दिया जाएगा शाकाहारी भोजन। 21 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन 18 दिनों के टूर पर रवाना होगी। इस ट्रेन में पेंट्री कोच की सुविधा होगी, जिससे पर्यटकों को इनकी बर्थ पर ही शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। इसके साथ ही CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। IRCTC के साथ सर्विस पार्टनर होगा। ताजे पक्के भोजन और अन्य खाने पीने की सभी सुविधाओं का इंतजाम भी इस प्राइवेट पार्टनर का ही होगा। क्या होगा यात्रा का पहला चरण? यात्रा का पहला पड़ाव भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से रवाना होकर ये ट्रेन बक्सर जाएगी, जहां श्री विश्वमित्र जी का आश्रम और रामरेखा घाट पर गंगा स्नान का कार्यक्रम होगा। यहां से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान है
वहां से ट्रेन नेपाल के जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर का दर्शन करने जाएगी। यात्रा का दूसरा चरण नेपाल से वापसी की यात्रा। नेपाल से लौटते समय ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा, जहां से पर्यटक बसों द्वारा काशी के प्रसिद्ध मंदिरों सहित सीता सम्मानित स्थल प्रयाग, शिवगंगा और चित्रकूट सिंहवेशपुर त्याग कराई जाएगी। इस दौरान प्रयत्म और चित्रकूट में रात्रि विश्राम होगा। यात्रा का तीसरा चरण रामेश्वरम कांचीपुरम है। चित्रकूट से चलकर ये ट्रेन नासिक पहुंचेगी, जहां पंचवटी और चित्रकूट से चलकर ये ट्रेन नासिक पहुंचेगी जहां पंचवटी और बैंकेश्वर मंदिर का भ्रमण किया जा सकेगा। नासिक के पश्चात प्राचीन कृष्णगंधा नगरी हम्पी में इस ट्रेन का पड़ाव होगा, जहां अंजनी पर्वत स्थित हनुमान जन्म स्थान और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के मंदिरों का दर्शन श्रद्धाओं को कराया जाएगा। इस ट्रेन का अगला पड़ाव रामेश्वरम होगा, जहां पर पर्यटकों को प्राचीन शिव मंदिर और धनुषकोटि का दर्शन कराया जाएगा। रामेश्वरम से चलकर ये ट्रेन कांचीपुरम पहुंचेगी, जहां शिव कांची, विष्णु कांची और कामाक्षी माता मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव तेलंगाना राज्य में स्थित भद्राचलम होगा, जिसे दक्षिण की अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेन 18वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी होगी। क्या होगी भारत गौरव ट्रेनों की थीम? भारत गौरव ट्रेन की थीम देखो अपना देश होगी। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देखो अपना देश के अनुसार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। कितनी है टिकट की कीमत, अब इसके बारे में बात करते हैं। IRCTC ने इस 18 दिनों की यात्रा के लिए 62,370 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया है। भुगतान के लिए कुल राशि को 3, 6, 9, 12, 18 और 24 महीने की किस्तों में पूरा किया जा सकेगा। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के अतिरिक्त स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, बसों से पर्यटक स्थलों का भ्रमण, ऐसी एसी होटलों में ठहरने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस आदि सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार PSU के कर्मचारी इस यात्रा पर वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर पत्रता को अनुसार LTC सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।